हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है मंडे और तविशी के कल से एग्जाम स्टार्ट है ट्यूसडे से, और अभी 8 बज रहे हैं और मेरी हाउस हेल्पर जो है आएगी नहीं, और मैंने अभी नहाई भी नहीं हूँ, और सिर्फ बस शक्ल देख रहे होंगे मेरी, क्योंकि मैं उठी भी 7:30 हूँ, तो बस अभी जल्दी से चाय वगैरह पी है और उसके बाद मैं अब सफाई का काम शुरू कर दूंगी। और वैसे तो जो मेरी हाउस हेल्पर है वो कल नहीं आने वाली थी, लेकिन जो उसका कल वाला काम था वो आज उसे करना है, तो कल तो फिर वो आ गई और आज उसने कहा है कि अब मैं आज मंडे को नहीं आऊंगी दीदी, और आप देख लेना खुद ही। अब ठीक है, वो वैसे बताकर चली जाती है ना, तो फिर ठीक रहता है, फिर हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं और फिर सारी साफ सफाई जो है वो कर लेते हैं। अब अचानक से जब हाउस हेल्पर छुट्टी मारती है ना, वो बहुत बेकार लगती है, तो बस अभी जल्दी से मैं सफाई करूंगी, और बहुत लंबी मुझे सफाई नहीं करनी है, नहीं तो सारा दिन इसी साफ सफाई में लग जाएगा। झाड़ू पोछा करूंगी जल्दी से, और हल्की फुल्की डस्टिंग करूंगी, वो भी उन जगहों पे जहां हमारे हाथ बार बार लगते हैं, जिन जगहों को हम ज्यादा टच करते हैं, जिन चीजों को, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तविशी के एग्जाम्स भी हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस सफाई में वो डिस्टर्ब हो, उसे पढ़ना भी है। तो अभी तो वो सो रही है, तो अभी तो उठेगी वो, अभी 8 ही बज रहे हैं, तो मैं उसे उठाऊंगी नहीं, 9 बजे तक आराम से उठाऊंगी, तब तक साफ सफाई भी हो जाएगी। तो बस जल्दी से करती हूँ क्लीनिंग और फिर आगे की बातें बाद में करेंगे। मुझे क्या लगता है, जैसे हम बेड के नीचे की सफाई मैं हाउस हेल्पर से भी करवाती हूँ, लेकिन जिस दिन वो नहीं आती है ना, उस दिन वो वाली जगहें जो जैसे बेड हो गया या अलमारी हो गई, इनके नीचे की सफाई मैं खुद से ही अच्छी कर पाती हूँ, वो लोग इतना अच्छा नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ हर काम को ना ड्यूटी की तरह करते हैं। भले ही कितने भी अच्छे हो हाउस हेल्पर, अच्छी है मेरी हाउस हेल्पर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं आती जो हम खुद से सफाई कर सकते हैं ना, वो वाला मजा नहीं आता। वो वैसे ही करती है अपने काम की तरह, अपने बिजनेस की तरह उसको करती है, और हम अपनी जिम्मेदारी की तरह करते हैं। बस अब ये जल्दी से झाड़ू लग जाए, फिर फटाफट पोछा लगेगा। ये शाम मैंने बनाई हुई है चाय पी रही हूँ मैं। और तविशी का मैंने क्या किया था, घर का सारी साफ सफाई की, उसके बाद मैंने तविशी को पढ़ाने के लिए मैं बैठ गई, और कितने बजे बैठी थी मैं, 4 बजे बैठी थी, और पढ़ाते पढ़ाते 6:15 हो गए, इतना टाइम लगा। उसका कल जो एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, और वो है उसका संस्कृत का, और संस्कृत और हिंदी में वो इतना ज्यादा मुझे परेशान करती है, मैं बता नहीं सकती। उसको हिंदी में भी कंफ्यूजन रहती है, संस्कृत में तो बहुत ही ज्यादा रहती है, और संस्कृत मेरे पास सब्जेक्ट था भी नहीं, और मैं उसको कैसे पढ़ाती हूँ मैं ही जानती हूँ, मुझे तो आधी चीजें समझ में भी नहीं आती है, और बहुत टाइम लगता है उसको समझाने में। और आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर घूम रहा हो, तो हिंदी के पेपर में और संस्कृत के पेपर में मैं बहुत डरी हुई होती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं भरोसा होता है क्या पेपर करके आएगी।
तो बस अभी फ्री हुई हूँ। बाहर हो रही है बारिश, पता नहीं इस बार क्या हो रहा है। दो तीन दिन इतनी गर्मी रही, अब फिर से वैसे ही बारिश हो गई, फिर से ठंड हो गई। अब मैंने इसीलिए स्वेटर डाल लिया हल्का सा, और चाय में पी रही हूँ। और चाय के साथ ये जो मट्ठियां होती है ना, ये खा रही हूँ। और इन मट्ठियों को मैं जो चटनी होती है ना हरे धनिए की, उसके साथ खा रही हूँ। ये बिल्कुल समोसों वाला टेस्ट दे रही है। और मैं ऐसे करके जैसे ये ले रही हूँ, और इसके ऊपर हरे धनिए की चटनी ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। और ये हरे धनिए की चटनी मैंने बनाई थी, तो इसका बिल्कुल टेस्ट ऐसा ही आ रहा है जैसे मार्केट वाली चटनी होती है। क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाला, नमक भी डाला और जीरा डाला, मैंने शायद एक बार शेयर भी किया हुआ है, टमाटर भी डाला इसके अंदर, हरी मिर्ची डाली, थोड़ी सी लहसुन की कलियां डाली, फिर ग्राइंड कर लिया, नींबू मैंने बहुत सारा डाला इसके अंदर। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि बाहर मार्केट वाली चटनी होती है ना, समोसों वाली, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके खा लेना चाहिए। और अभी मैं क्या करने वाली हूं, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है चटनी के कारण ना, इसकी जो टेस्ट में जो बदलाव आ गया ना मट्ठी के, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल समोसों की तरह लग रहा है। अगर इमली की चटनी होती तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ दिनों में जल्दी ही मैं गिव अवे करूंगी, तो अब कब करूंगी ये मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगी। तो सोच रही हूँ गिव अवे करने के लिए, बहुत ही जल्दी करूंगी तो बताऊंगी जब भी करूंगी। और जैसे कि मैंने अभी जो गौर सिटी वाला वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। आप लोगों ने बोला कि हम लोग भी यहीं रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, गौर सिटी के पास रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे ही वो वाला जो वीडियो था, मैंने स्पेशली बनाया ही इसलिए था कि जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, और कोई अगर नया आता है ना ग्रेटर नोएडा में, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। जैसे मुझे हुई थी एक साल पहले, कि मुझे मार्केट वगैरह का नहीं पता था, तो कोई भी सामान लेने जाना पड़ता था, तो सीधे हम लोग फिर वेट करते थे कि हम लोग जीआईपी जाएं, जो कि नोएडा में है, वहां के बिग बाजार से सामान लाएं। लेकिन अब धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करने लगे, एक्सप्लोर किया भी, तो वैसे तो हमारी सोसाइटी में जैसे है ही एक शॉप जो सारा सामान रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो एमआरपी पे देते हैं सारा सामान, जो प्राइस है उसी पे एग्जैक्ट मिलता है, कोई कुछ भी जरा सा भी उस पर डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं होता है, तो मजबूरी में हमें लेना पड़ता है। फिर हम बिग बाजार जाते थे यही सोचकर, तो फिर उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने, जैसे मैंने गौर सिटी का बताया, इसीलिए ही बताया है ताकि जो लोग यहाँ नए आए उनको पता चल जाए कि यहाँ पर भी जो है ग्रेटर नोएडा में भी मार्केट है, और आप वहां से भी सामान ले सकते हैं। तो जो शॉप मैंने बताई है आपको, एक स्मार्ट शॉप करके, जो गौर सिटी में सिटी प्लाजा के अंदर है, गौर सिटी वन में, तो वहां जरूर जाइएगा और एक्सप्लोर कीजिएगा, और वहां का मार्केट, तो छोटी मोटी चीजें तो मिल जाती हैं। हाँ, अभी कपड़े वगैरह अगर हमें लेने हैं वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मॉल वगैरह और कोई अच्छी शॉप नहीं है, उसके लिए तो हमें वही शिप्रा मॉल या फिर जीआईपी या फिर डीएलएफ मॉल वहीं जाना पड़ता है। वो भी जल्दी जल्दी अभी मॉल खुल जाएंगे तो हो जाएगा। तो आप लोग, जितने भी लोग मुझे ग्रेटर नोएडा के हैं जो देख रहे हैं, तो वो जरूर अपने दोस्तों के साथ जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, मेरे उस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सबको हेल्प मिले और जो दिक्कत मुझे हुई वो लोगों को ना हो, तो शायद काफी फायदा भी रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और प्लीज, अभी मैं क्या देख रही हूँ, काफी दिनों से जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स तो हैं 15,000, लेकिन उस हिसाब से जैसे कितने सारे लोगों ने मुझे क्या किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन उस हिसाब से मेरे व्यूज नहीं है, तो आप देखते ही नहीं है, या पता नहीं क्या है, मेरा नोटिफिकेशन वगैरह तो आपके पास जाता होगा, तो समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है, क्या मेरे वीडियोज आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियोज को देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मेरे वीडियोज आगे बढ़े। क्योंकि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरे वीडियोज को लाइक तो जरूर कीजिए। आजकल आप लाइक नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर हम वीडियो को लाइक करते हैं तो वो रिकमेंडेशन में बहुत ज्यादा आता है, तो अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो वो आगे रिकमेंडेशन में जाएगा और मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके भी, जैसे आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, ऐसे ही आपके हो सकता है दोस्तों को अच्छे लगे, आपके रिलेटिव्स को अच्छे लगे, तो आप उनके साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी जो बातें अच्छी लगती हैं, हो सकता है वो आपके दोस्तों को भी अच्छे लगे, तो प्लीज पूरा सपोर्ट कीजिए। और जल्दी से जल्दी
ज्यादा से ज्यादा व्यूज दिलाने में मेरी हेल्प कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी और मेरी मेहनत भी अगर रंग लाएगी तो काम करने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो बस ये रिक्वेस्ट है आपसे कि सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। बस यही था एक छोटा सा व्लॉग, बातों वाला ही है, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और वीडियोस को आगे देखना भी, सब्सक्राइब करके नहीं छोड़ना है और वीडियोस को देखना भी है। बस फिर मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।